काफ़ी लोगों के मन में सवाल है कि आज अचानक मार्केट क्रैश क्यों हुआ, आज निफ्टी 17,000 के ऊपर होल्ड कर रहा था, अचानक गिरना क्यों शुरू हो गया। उसके बारे में बताने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको मंडे के लिए चाहिए होगा जैकपॉट शेयर जो कि वन डे से 10 डेज में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, आज दो रीज़न से मार्केट क्रैश हुआ। नंबर वन, आज फाइनेंस बिल पेश किया गया, लोकसभा में प्रेजेंट किया गया, और उसमें कन्फ्यूजन ये हो गया कि एसटीटी टैक्स बढ़ाया, ऐसी बात निकल कर आई। एसटीटी टैक्स मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते हैं, तो ऑप्शन ट्रेडर्स जो होते हैं उसके ऊपर टैक्स बढ़ाया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। 1 करोड़ के ऊपर 1700 का जो टैक्स था वो बढ़कर 2100 हो गया, ऐसा कन्फ्यूजन चल रहा है, अभी भी क्लैरिटी नहीं है। बाद में अभी फाइनेंस मिनिस्टर की ओर से क्लैरिफिकेशन आया है कि जो भी कन्फ्यूजन है दूर किया जाएगा, बट जो भी है द डैमेज वॉज डन, तो वो पैनिक हो गया। उसके अलावा म्यूचुअल फंड के ट्रांजेक्शन के ऊपर भी कुछ टैक्स बढ़ाया गया है। इन शॉर्ट, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ टैक्स बढ़ाए गए हैं, ऐसी मार्केट में खबर आई नए फाइनेंस बिल में, जिसके कारण सेल ऑफ शुरू हो गया। मार्केट रिएक्ट करता है, कोई भी टैक्स बढ़ता है रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट तो उसमें मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करता है। दूसरी बात, यूरोप में फिर से बैंकिंग स्टॉक क्रैश हो रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जर्मनी की नंबर वन बैंक और वर्ल्ड की 12th बिगेस्ट बैंक, जी हाँ, वर्ल्ड की 12th में 12th ड्विश बैंक जो है, जर्मनी की नंबर वन बैंक ड्विश बैंक, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, ऐसी खबर निकल कर आई, और उसके कारण यूरोप मार्केट भी सभी यूरोप मार्केट 2% माइनस में, मतलब यूरोप मार्केट क्रैश हो गया। एक्चुअली देखा जाए तो ड्विश बैंक नंबर 12 है पूरे वर्ल्ड में। मैं आपको एग्जांपल इसमें से देना चाहता हूँ कि क्रेडिट स्विस बैंक वर्ल्ड की 25th लार्जेस्ट बैंक है, और UBS बैंक वर्ल्ड की 17th लार्जेस्ट बैंक है, 17। तो आप सोचिए, उससे भी बड़ी बैंक ड्विश बैंक, फिर से उसमें प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि उसके जो बॉन्ड थे उसका जो इंश्योरेंस निकाला जाता है उसके प्रीमियम में अचानक बढ़ोतरी आई, तो लोग कहीं ना कहीं इंडिकेशन लगा लेते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, और इसी बात के कारण आज मार्केट क्रैश हुआ, डर के मारे कि अब ये अगर ड्विश बैंक में भी बड़ा प्रॉब्लम आया तो सभी बैंक्स के शेयर क्रैश हो गए पूरे यूएस यूरोप में, उसका इम्पैक्ट यूएसए में देखने को मिल सकता है। तो मेनली ये दो रीज़न के कारण मार्केट क्रैश हुआ है। देखते हैं अभी क्या डेवलपमेंट होती है, अभी रात तक या संडे तक यूएसए यूरोप से जो खबर आएगी उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा, और फाइनेंस मिनिस्टर की ओर से क्या स्टेटमेंट आता है नए टैक्सेस के बारे में, उसके ऊपर मंडे को मार्केट खुलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।